तो आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मींस दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ये आप लोगों को सीखना है। तो सबसे पहले मैं स्केलर प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा और उसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं, वो आपको सिखाऊंगा। चलिए देखिए स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट आता है वेक्टर का वो है स्केलर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट का कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। व्हेन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। क्या करना है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, उनका प्रोडक्ट क्या आएगा स्केलर। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। आप लोग क्लास टेन में बहुत जगह देखे होंगे, कई जगह पे लिखा होगा ऐसे ए इंटू बी इस तरह से लिखा होगा, कई जगह पे आप देखेंगे ए इंटू बी ऐसे लिखा होगा। तो अभी तक इन लोगों का कोई बेसिक मीनिंग आप लोग के लिए नहीं था, लेकिन अब आपको क्लास इलेवन में क्या है इन लोगों का मीनिंग है, ठीक है। तो हम समझते हैं स्केलर डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपका होगा ए डॉट बी। तो ये वेक्टर क्या आएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, क्या आएगा ए डॉट बी अगर है तो आपका मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा आएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ आपका बेसिक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप कब लगाएंगे, जब आपका वेक्टर इस फॉर्म में दिया हो पोलर फॉर्म में, ठीक है। पोलर फॉर्म में जैसे मान लो आपको बाहर निकालना है, फोर्स दिया गया कि आपका 20 न्यूटन का फोर्स ईस्ट की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो रहा है, तो वहां पर देखिए आपको अलग अलग बताया गया किधर फोर्स लग रहा है किधर डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, उनके बीच का एंगल दिया गया। तो ये अगर पोलर फॉर्म में वेक्टर आपके दिए होंगे तो आप इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा आई ए के लिए फॉर्म में, तो उसके लिए कैसे करते हैं मैं आपको देखिए आगे बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। अब देखिए इसका जैसे आपका वेक्टर दिया है, इन जनरल हम लेते हैं, मान लिया आपका जो वेक्टर ए है वो दिया है एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। कोई वेक्टर बी दिया है एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप और जेड टू के कैप, ठीक है। हमको क्या निकालना है ए डॉट बी, क्या निकालना है ए डॉट बी। तो आप लिखेंगे एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप डॉट एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप और जेड टू के कैप, ठीक है। अब इसमें देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा वैसे, आप देखिए आपने बेसिक जो फॉर्मूला पढ़ रखा था उसमें पढ़ रखा था ए मॉड ऑफ ए इंटू बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। जैसे आपने पढ़ रखा था क्या ए डॉट बी जब होता है तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा लगाना होता है। तो देखिए जब हम आई को आई से डॉट करेंगे, चूंकि मॉड ऑफ आई क्या होता है डायरेक्शन रिलेट करना है, मॉड ऑफ आई भी वन होगा ये भी वन होगा, यानी इसको हम लिखते हैं वन इंटू वन इंटू कॉस दोनों के बीच का एंगल क्या होगा जीरो। आई आई मतलब एक्स एक्स एंड एक्स एक्स दोनों के बीच का एंगल क्या होता है जीरो। तो बेसिकली आपका निकल आएगा ये वन ही आएगा, ये क्या आएगा आपका वन। अब मान लो आई को हम जे से ड्रॉ करते हैं, आई के हम जे से ड्रॉ करेंगे तो मॉड आई भी वन जे भी वन, लेकिन कॉस यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि आई जे के क्या होता है परपेंडिकुलर, इधर अगर आपका आई है इधर जे है इधर के है तो ये आपस में सारे क्या होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इनके बीच का थीटा 90 तो जीरो। तो बेसिकली हमको बात ये समझ में आई क्या करना है कि आई जब आई से मल्टीप्लाई होगा तो वन आएगा और किसी और से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा जीरो आएगा। इसका मतलब जब इसको हम लेंगे आई से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली सिंपली आपका क्या आ जाएगा एक्स वन इंटू एक्स टू एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस जब इसको जे से करेंगे जीरो आ जाएगा पूरा, के से करेंगे जीरो आ जाएगा, ऐसे सिमिलरली वाई को करेंगे तो वाई वन इंटू वाई टू, ठीक है। प्लस ऐसे ही आप करेंगे जेड से तो जेड वन इंटू जेड टू, ये आपका बेसिक। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी आई जे के नहीं है,
यहाँ पे कहीं भी आई जे के नहीं बचा, मतलब डायरेक्शन नहीं बची, इसका मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो है आपका वो क्या आ गया, स्केलर। ठीक है, ये आपका दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या आ गया, स्केलर। समझ गए आप लोग, देखिए नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ कैसे करना है। ठीक है, चलिए आप देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, सपोज कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे जैसे मैंने ले लिया, जिसको कह दिया ये हमारा है 2y, ये हमारा है प्लस 3j, यहाँ पे माइनस 4k कर दिया हमने, क्या कर दिया 4k, ये हमारा हो गया 4i, ये हो गया 7j, ये हो गया प्लस 1k। ठीक है, अब देखिए हमको जैसे a डॉट b करना है, a डॉट b करना है, कैसे करेंगे हम, क्या करेंगे सीधे हमारा i का कोफिशिएंट i से मल्टीप्लाई होगा j का, जैसे a का k से, मतलब यहाँ पे क्या होगा 2×4 प्लस 3×7 प्लस, अब देखिए माइनस में 4 है तो −4×1 करेंगे, ध्यान देना आपको कोफिशिएंट जिसके साइन के साथ होगा उसी साइड मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे प्लस, तो आपका सिंपली स्केलर पॉइंट निकल के आ गया 8 + 21 - 4, दैट इज कितना आएगा आपका 25। तो बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है स्केलर प्रोडक्ट में। ठीक है, आपको सीधे डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे और आपका आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी, आप नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा मैं आपको सिखा रहा हूं, देखिए कैसे करना है। अब अगर आपका इसका एप्लीकेशन एप्लीकेशन आप स्केलर प्रोडक्ट का देखेंगे कहां कहां एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन मैं आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा, सबका एक बता दूंगा। इसे पहला आपका है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो बेसिकली आप पहले फॉर्मूला देखा a डॉट b इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। अगर यहाँ पे आपको वेक्टर a और b बता है तो नीचे एंगल हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लो एग्जाम्पल है आपका एक क्वेश्चन ने लिया कि 2i प्लस 3j माइनस 2k है, बी वेक्टर आपका कोई है 4i प्लस 6j माइनस 4k, ये वेक्टर हो गया। आपको भी बताना है दोनों बीच का वेक्टर का एंगल कितना है, तो आप क्या करेंगे सिंपली a डॉट b, तो क्या होता है मॉड a मॉड b इंटू कॉस थीटा, ए डॉट बी का लेंगे 2×4=8 हो गया, 3×6=18 हो गया, ये 4×2=8 हो जाएगा इक्वल टू, अब मॉड आप इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2² + 3² + -2² इंटू इसका मॉड क्या आ जाएगा 4² + 6² - 4² इंटू क्या हो गया कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा आ गया, इंटू आ गया कॉस थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, कॉस थीटा आ गया, दोनों तरफ हम इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद देखिए आपको मिल जाएगा ये 34 इक्वल टू ये अंडर रूट याद आएगा आपका 4 + 9 + 4 इधर आ जाएगा आपका 4 16 + 36 + 16 इंटू कॉस थीटा। आप देखेंगे इसके लिए 34 आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 17, ये आ जाएगा अंडर रूट 17 × 4 यानी इंटू कॉस थीटा। आप बाहर देखेंगे 34 आया, ये भी 34 कॉस थीटा हो गया, यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया 34/34 दैट इज 1 यानी थीटा आपको क्या आ गया 0°। देखिए इस तरह से हम एंगल निकाल लेंगे, कहीं भी वो वेक्टर के नीचे एंगल निकालना तो सिंपली हम a डॉट b एक तरफ करेंगे और मॉड a मॉड b cos थीटा रख देंगे तो हमारा थीटा की वैल्यू आ जाएगी। एक सिंपल टाइप का ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ऐसे आप कर सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा एप्लीकेशन आपका, दूसरा एप्लीकेशन देखिए कैसे करेंगे, पहला तो ये था एंगल बता देना, अब दूसरा देखिए एप्लीकेशन नंबर 2 किस तरह का क्वेश्चन आपका आएगा। एप्लीकेशन नंबर 2 बेसिकली क्या है आपका, दे दिया गया कि फॉर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर, अगर कहीं पे आपको 2 वेक्टर परपेंडिकुलर दिखाना है
या कहीं पे कोई ट्रायंगल दिया उसके तीन साइड्स दिए वेक्टर फॉर्म में उनको बताना है राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या करते हैं हम ए डॉट बी इक्वल टू जीरो कैसे आया ए डॉट बी मॉड एम मॉड बी कॉस थीटा होता है वहां कॉस साइन दिया ए डॉट बी इक्वल टू हमको क्या पुट कर देना है सिंपली जीरो पुट कर देना है तो दो वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा जैसे आपको दे दिया गया कोई वेक्टर 2y प्लस 4j प्लस 6k एंड 4i माइनस 2j प्लस mk आर परपेंडिकुलर फाइंड m। अब मान लो कहते हैं आपका 2i प्लस 4j प्लस 6k 4i माइनस 2j प्लस mk परपेंडिकुलर है और हमको क्या निकालना है इस m की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली आपने वहां से क्या पढ़ लिया a डॉट b इक्वल टू जीरो क्या पढ़ लिया a डॉट b इक्वल टू जीरो तो आप बाहर प्रोडक्ट कर देंगे 2i प्लस 4j प्लस 6k इसका डॉट निकालना है आपका 4i माइनस 2j प्लस mk और इक्वल टू क्या पुट कर लेना है जीरो। अब देखिए i का i से प्रोडक्ट वन 8 माइनस 8 ये 4 टू द माइनस 8 और 6m प्लस 6m इक्वल टू क्या आ गया जीरो तो ये आपका आ गया जीरो यानी ये आ गया जीरो प्लस 6m इक्वल टू जीरो यानी m की वैल्यू इसके लिए क्या होना पड़ेगा जीरो तो अब तब आपका वेक्टर ये परपेंडिकुलर होगा ठीक है। ऐसे कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर जीरो आ गया दूसरा अगर मान लो क्वेश्चन हमें लेते हैं ये 3i माइनस 2j प्लस 4j एंड 4i प्लस 6j प्लस aj प्लस माइनस 3j ये हमको दिखाना है परपेंडिकुलर ये हमको दिखाना है परपेंडिकुलर तो क्या करेंगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट a डॉट b सिंपली इक्वल टू जीरो यानी 3i माइनस 2j प्लस 4j इसका डॉट ले लेंगे किससे 4i प्लस aj माइनस 3k इक्वल टू जीरो। अब देखिए 3 4 जा 12 2 यानी माइनस 2 4 3 जा माइनस 12 सॉरी यहां भी जीरो आ रहा है चलिए इसको प्लस कर लेते हैं थोड़ा आपको समझने के लिए ये आ गया प्लस ठीक है इसको हमने क्या कर दिया प्लस तो 12 है माइनस 2 क्यू और 12 तो ये इक्वल टू कितना हो गया जीरो यानी माइनस 2 है इक्वल टू 24 ए इक्वल टू क्या वेक्टर है यानी ए इक्वल टू अगर वहां वेक्टर में 12 रखते हैं तो दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर। तो यानी इस तरह से क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं कि कहीं पर दो परपेंडिकुलर दिखाना है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो दिखा देंगे या फिर अगर कोई दिया गया वैल्यू निकालना है तो उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं नोट कर लीजिए। अगला देखिए जैसे आपको क्या होगा निकालना होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी किसी एक वेक्टर है उसका कंपोनेंट दूसरे के अलोंग कितना होगा सपोज मैं समझता हूँ मान लो एक आपका फोर्स इधर है 20 न्यूटन का और इधर कोई वेक्टर दूसरा है ए तो इस 20 न्यूटन का कितना कंपोनेंट इधर होगा वो हमको निकालना है क्या करना है किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कितना कंपोनेंट है वो निकालना होगा ठीक। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे देखिए ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर इंटू बी का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कंपोनेंट आ जाएगा क्या करना है ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर इंटू बी का यूनिट वेक्टर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 2i कंपोनेंट ऑफ 2i प्लस 3j अलोंग i प्लस j ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ 2i प्लस 3j अलोंग i प्लस j निकालना है तो बेसिकली हमको एक वेक्टर क्या लेना है ए हो गया ए वेक्टर को हमने लिया हो गया 2i प्लस 3j इसका कंपोनेंट निकालना है वेक्टर भी क्या ले लिया वेक्टर भी हो गया i प्लस j तो हम इसका क्या निकालेंगे यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालना आपको बताया क्या रखते हैं वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर अंदर हो गया 1 स्क्वायर यानी आ गया i / √2 प्लस j / √2 ये आ गया यूनिट वेक्टर। अब देखिए इधर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 2i ये a डॉट b का यूनिट वेक्टर इनटू b का वेक्टर 2i प्लस 3j इसका डॉट करेंगे i / √2 प्लस j / √2 से और पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे i प्लस j अपॉन √2 से ठीक। अब देखिए 2i क्या होगा 2 / √2 i खत्म प्लस 3 / √2 i j j कैंसिल ठीक है ये हो गया i प्लस j / √2। अब देखिए अगर इसको करें सॉल्व करें तो 3 / 5 में आ गया 5 / 2 i प्लस j
आप देख लीजिए क्या आ गया, यानी जो 2i plus 3 j है उसका 5 by 2 पार्ट किधर है, i plus j की तरफ। अगर मैं u पूछा जाए तो कितना है 5 by 2 किधर है, i plus j की तरफ, ठीक है। अगर वेक्टर पूछा था सिंपली ये लिख देंगे कि कितना वेक्टर आ गया, ठीक है, कंपोनेंट थे। मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाता है तो आ जाता है वो 5 by 2 along i plus j, ठीक है। आपको आई माइनस जी के लिखेगा, जे आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें कोई मुश्किल है नहीं। जो आप बताया मैंने तीन टाइप का क्वेश्चन, और देखिए इसका एप्लीकेशन कैसे बनता है हमारा वर्ड निकालने के लिए, ठीक है। वर्ड निकालने के लिए कैसे इसका एप्लीकेशन होता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं। देखिए आप सिंपली पढ़े वर्ड इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप सिंपली पढ़े हैं वर्क के वर्क निकालना है तो वो क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट। जैसे इफ अ फोर्स ऑफ 2i plus 3j plus 4j displaces a body from the area 2, 3, 6 to 4, 8, 3 meter. Find what? तो सबसे पहले आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, जो मैंने निकालना आपको सिखाया होगा। देखिए पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, देखिए पहला हमारा वेक्टर जो है इसको कहेंगे R1, ये हो गया R2। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेसिकली वो क्या हो जाएगा R2 - R1। हमेशा जिस वेक्टर पे पहुंचते हैं उससे पहले वेक्टर को सबट्रैक्ट करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए जिस वेक्टर तक हमको पहुंचना है उससे हमारा वेक्टर सबट्रैक्ट होगा, क्योंकि इससे हमको डायरेक्शन पता चलेगी। अब देखिए ये हो गया हमारा R2, हो गया 4i plus 8j plus 3j, सिंपली वेक्टर निकालना आपको आता है, माइनस 2i plus 3j plus 6k, ये आ गया। देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, आपने सबट्रैक्ट किया क्या आएगा 2i plus 5j plus सॉरी इससे करेंगे माइनस 3k आ गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल के आपका आ गया है। फोर्स वेक्टर आपके पास पहले आई है तो W इज इक्वल टू क्या होता है F डॉट D, F आपने 2i plus 3j plus 4j, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे किससे, 2i plus 5j minus 3 minus 3k। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट लेंगे क्या हो जाएगा, 2 × 4 इधर मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा आपको दिखाई नहीं देगा वहां पे क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू 2 × 2 + 3 × 5 + 4 × -3 4 × -3 अभी हो गया 4 + 3 × 5 = 15 - 12 यानी कुल मिला के आ गया 7 जूल आपका आंसर, ठीक है। समझ गए, इसमें कोई समस्या नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आया है तो भैया आप लेंगे नोट कर लीजिए। देखिए मैंने ये आपको सिखाया है स्केलर प्रोडक्ट की एप्लीकेशन, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो आप उसको देखने के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में और उसके सारे एप्लीकेशन। इनमें से जो बताया मैंने यही टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। थैंक यू।